नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखी जिसमें एक तरफा प्यार और उसके बाद फिर लड़की का मर्डर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हाल ही में कुछ घटनाओं ने ये सोचने को मजबूर कर दिया कि आखिर समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। सनकी आशिकों के वशीपन का शिकार हो रही हैं हमारी बेटियां। अब झारखंड के दुमका में जब 12वीं में पढ़ रही एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया तो देश भर में गुस्सा देखने को मिला। हर किसी ने कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देकर के समाज में एक मैसेज दिया जाना चाहिए, जिससे बेटियों के खिलाफ ऐसा करने से पहले लड़के सिर पेरे आशिक जिन्हें कहा जा रहा है, जो बेशर्म लड़के हैं, उनको एक मैसेज मिले। लेकिन असली सच्चाई ये है कि दुमका के अलावा भी देश भर में रोजाना ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, जो आप ये मानिए कि किसी भी अखबार के एक पन्ने में एक छोटी सी खबर बन के रह जाती हैं। और पिछले एक हफ्ते में ऐसी दिल दहलाने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं। और ताज़ा जो मामला है वो दिल्ली का है, जहाँ पर एक 11वीं की छात्रा को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि लड़की ने उस लड़के से दोस्ती तोड़ दी। इस सनकी आशिक ने 20 सड़क लड़की को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि आरोपी कई दिनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था। आरोपी ने सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना करके लड़की से दोस्ती की, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन जब लड़की को इस सच्चाई का पता चला तो उसने दोस्ती तोड़ दी। इससे नाराज होकर के उस सिर्फ आशिक ने गोली मार दी। अब झारखंड के दुमका मामले की चर्चा काफी दिनों से है, क्योंकि ये जो बेटी है इसने रविवार को दम तोड़ा था। और ये लड़की अंकिता, इसे पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया था। कुछ दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार अंकिता ने दम तोड़ दिया। शाहरुख नाम के इस युवक को जब अंकिता ने इनकार कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया। वो रिजेक्शन झेल नहीं सका और अपने दोस्त के साथ मिल करके सुबह 4 बजे खिड़की से अंकिता पे पेट्रोल डाला और आग लगा दी। और इस मामले को लेकर के पूरे देश भर में काफ़ी गुस्सा है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी इसमें अपना गुस्सा दिखा रही हैं। झारखंड के ही एक दूसरा जिला है चतरा, यहाँ भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। दुमका का मामला सामने आने के बाद ये मामला भी मीडिया में आया। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने सोती हुई लड़की के चेहरे पे तेजाब डाल दिया। इस दौरान लड़की बुरी तरह झुलस गई। ये आरोपी कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब पुलिस को शिकायत की गई तो कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद उस लड़के ने घर पे आके एसिड अटैक किया। और फिलहाल ये जो एसिड अटैक डालने वाला, अटैक करने वाला लड़का जो है, पुलिस की गिरफ्त में है। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में भी इसी हफ्ते एक मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने लड़की के गले पर चाकू से वार कर दिया। खंडवा में मंजले आशिक ने प्रपोजल ठुकराने के बाद 20 साल की लड़की के गले को चाकू से रेत दिया। इसके बाद खून से लथपथ होकर युवती वहीं गिर गई और आरोपी फरार हो गया। लड़की की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। वहीं कुछ ही समय के बाद पुलिस को एक और बॉडी मिलती है। ये बॉडी उसी लड़के की है जिसने ये घटना को अंजाम दिया और उसके बाद अपने आप को भी उसने सुसाइड कर लिया। अब आते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में कुछ दिन पहले ही दुमका जैसे कांड को अंजाम देने की कोशिश की गई। यहाँ पर घर आ रही लड़की पर युवक ने पेट्रोल उड़ेल दिया, आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की चिल्लाने लगी, जिसके डर से आरोपी भाग गया। पड़ोस में रहने वाले युवक ने ये काम किया था। ये युवक लड़की से बातचीत करने के लिए लगातार प्रेशर बना रहा था, लेकिन लड़की उसे इग्नोर कर रही थी, उससे बातचीत नहीं करना चाह रही थी। तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि लड़कियां कभी इंटरेस्टेड होती हैं, कभी नहीं होती,
कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की दोस्ती करती है, लेकिन जब कुछ उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लड़के में नजर आते हैं तो वो अपने कदम पीछे हटाना चाहती है। लेकिन ये सिचुएशन, ये रिजेक्शन लड़के को पसंद नहीं होता और फिर वो वही करता है जैसा कि हमने इन खबरों में जिक्र किया। कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। और अब अंकिता की बात करें तो ये उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है सामने और ये इस बात का खुलासा हो चुका है जिसमें ये कहा गया है पोस्टमार्टम में कि अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ से अंकिता को जलाया गया। सच में उसकी जो उसका जो दर्द है वो वही समझ सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शरीर की परत पर मवाद भर गए थे, इस वजह से उसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। यानी कि ये जो घटना होती है, ये जो उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, उसके बाद उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे उसका मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। एक और बात, झारखंड के दुमका की अंकिता सिंह हत्याकांड में मुख्य आरोपी शाहरुख और उसके दोस्त नईम उर्फ छोटू पे पास्को की धाराएं लगा दी गई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कई जगह कार्रवाई हो रही है, कई जगह पे ऐसा भी है कि माँ बाप की शिकायत को पुलिस इग्नोर कर रही है। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि प्रशासन ने आज एक प्रेस नोट मीडिया को जारी किया है जिसमें ये कहा है कि अंकिता सिंह का नाम और फोटो कोई इस्तेमाल नहीं किया करेगा और उसको अंकिता की जगह पीड़िता कहा जाएगा। अब इससे ज़्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से, 23 तारीख को घटना होती है, आज कितनी तारीख है, आज 1 सितंबर है, अब तक न जाने किस किस चैनल पे, न जाने किस किस अखबार में उसकी खबर छप चुकी है, उसकी फोटो छप चुकी है और अब हाल ही में एक फोटो उसकी शाहरुख के साथ भी देखी जा रही है सोशल मीडिया पे। और ये भी एक आशंका है कि ये फोटोशॉप का कमाल भी हो सकता है, लेकिन अब प्रशासन का ये कहना कि उसकी फोटो इस्तेमाल न की जाए, उसका नाम इस्तेमाल न किया जाए, इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने उस लड़के को पकड़ लिया है, कुछ धाराएं जोड़ दी हैं जिसमें पास्को भी है, लेकिन अब प्रशासन चौंका है, अब प्रशासन जागा है, उठा है, उसकी नींद खुली है, तब उन्होंने ये कहा है कि इस लड़की की फोटो इस्तेमाल ना की जाए, इसका नाम इस्तेमाल ना किया जाए, इसको पीड़िता बताया जाए। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इस पूरे कंटेंट पे? ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ रे जो आशिक है, मैं उन्हें आशिक नहीं कहूंगी, मैं उन्हें बेशरम, जिनको बिल्कुल भी इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है, शर्म से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे युवकों को आप क्या कहेंगे? आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो मसला है ये बहुत गंभीर है और ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी घर की बहन बेटी के साथ ये हादसा हो सकता है। सबको अवेयर रहना चाहिए और सबको इस पर अपनी राय देनी चाहिए। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हमेशा की तरह फिर कहूँगी कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, आप इसे शेयर करेंगे तब भी आपको आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ जब आप कमेंट करेंगे तो आपको टैक्स करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।